ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया, सोने लगाने वाला दानीदाता, सरकार, मंदिर समिति ने बड़ी चतुराई से और तीर्थ पुरोहितों को बिना विश्वास में लिए हुए रात को सोना लगाया और बाहर से दरवाजा लगाया, ताला लगाया। उसके बाद बड़े चतुराई से वहां पे जो सोना लगाया उसका हमारी कोई सहमति नहीं थी और न कोई सहमति होगी। उन्होंने जबरदस्ती वहां पे सोना लगाया, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। दूसरी बात, वहां पे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, अजेंद्र अजय जी जो हैं, उन्होंने वहां गर्भगृह में जाकर के बिल्कुल वहां अपनी एक फोटो खींची और उसको वायरल कर रहे हैं। शायद उनको भी ये लग रहा है कि अब सोने की चमक ज्यादा है, शायद भगवान की चमक कम है, सोने की चमक ज्यादा है, इसीलिए वो अपने ऐसे बिल्कुल पोज दे करके फोटो खिंचा रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। मोदी जी भी जब वहां आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फोटो लेते हैं, सारे फोटो वाले उनके साथ रहते हैं, उनकी भी आज तक उनका छठवीं बार मोदी जी केदारनाथ आ गए, लेकिन एक भी फोटो मोदी जी की अभी ऐसी वायरल नहीं है जिसे पूरा गर्भगृह और भगवान और सिर्फ मोदी जी। लेकिन ये बिना पूजा पाठ किए हुए सिर्फ आपने बिल्कुल ऐसे कोई के जैसे पर्यटन तीर्थाटन से पर्यटन केदारनाथ को बना दिया और उस हिसाब से फोटो खींच रहे और वायरल कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ बहुत ज्यादा है जो ये फोटो खींची, और हम FIR दर्ज करेंगे और इनके इस पद से इस्तीफे की मांग करेंगे। और सरकार अगर इनको हटाएगी नहीं तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने बहुत बड़ी परंपरा का उल्लंघन किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान की चमक कम लग रही है और सोने की चमक ज्यादा देख करके इन्होंने वहां फोटो खिंचवा दी और वायरल कर दिया। हम इसका विरोध करेंगे और सोने का तो हम समर्थन करेंगे नहीं, और कोई हमारी ऐसी सहमति है भी नहीं। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। देखिए, आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे जो मठ मंदिर हैं उनकी परंपराओं को जो है बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किस तरह से जो है ये लोग जो हैं धर्म के नाम पर आडंबर करके, भ्रष्टाचार करके, लूट खसोट मचा करके वहाँ नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप देखिए, केदारनाथ धाम में जो शिव जी का बहुत प्रमुख स्थान है, 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, पूरे देश भर में वहाँ श्रद्धालु आते हैं, अकूट अगाड़ जो है आस्था है लोगों की केदारनाथ धाम में। वहाँ पर जो है बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिबंधित है, जहाँ आप इस प्रकार से फोटो को नहीं खींच सकते, बड़े जो है एकदम गुमान के साथ फोटो खिंचवा करके जो है फोटो को वायरल किया जा रहा है, जो कि जो है धर्म के पे जो है बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है। केदारनाथ जी के जो है नियमों के और परंपराओं के विपरीत है, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल जो है अध्यक्ष की गिरफ्तारी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार से गर्भगृह से कोई जो है फोटो को लीक न कर पाए।